यंग बुकला के मिसाइल एंड सैराब। मैं आपका होस्ट राजा इमरान सफदर। तो हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो का आगाज। द प्रोफेशन ऑफ एडवोकेसी इज अ वेरी हॉली एंड अ वेरी नोबल प्रोफेशन। देर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस, दैट आर लॉट ऑफ वैक्यूम्स। द टॉप इज ऑलवेज वैकेंट। टॉप पे जगह हमेशा खाली होती है, लेकिन इस प्रोफेशन के अंदर यानी बहुत ही ज्यादा आपको चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, खासकर जो बिगिनर्स होते हैं, जो यानी नए जो आने वाले हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा सैराब मिराज की तरह होता है। जिस तरह रेगिस्तान में तपती हुई दोपहरों के अंदर जब कोई मुसाफिर दूर से कोई नखलस्तान देखता है तो समझता है कि शायद पानी का बहुत बड़ा कोई जखीरा है, लेकिन करीब पहुंचता है तो पता चलता है यहां तो कुछ भी नहीं, यहां तो सिर्फ डिसेप्शन है, यहां तो सिर्फ धोखा ही धोखा है। तो इन द सेम वे दिस प्रोफेशन इज अ वेरी वेरी अलोरिंग, बहुत ही ज्यादा अलोरिंग है। यहाँ एवरेस्ट भी बहुत है, यहाँ पैसा भी बहुत है, यहाँ पर आपको लालच भी बहुत दिया जाता है, यहाँ आपको ललचाई हुई नजरों से भी आप लोगों को देखते हैं, लेकिन इसके बावजूद आपको बहुत से चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ता है। आप अगर आपकी फैमिली साउंड हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो देर आर नो प्रॉब्लम्स फॉर यू टू मेंटेन द सस्टेनेबिलिटी, टू मेंटेन एबिलिटी इन दिस प्रोफेशन। बट अनफॉर्चुनेटली अनलकीली इफ योर फैमिली बैकग्राउंड इज नॉट साउंड, तो यू कॉन्ट सस्टेन इन दिस फील्ड ऑफ लॉट ऑफ चैलेंजेस, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा स्पीड ब्रेकर्स हैं, यहाँ बहुत ही ज्यादा हर्डल्स हैं, बहुत ही ज्यादा एम्पेडिमेंट्स हैं। ये कोई रॉयल रोड नहीं है, ये कोई सान रास्ता नहीं है, ये हाईवे हेवन नहीं है। यहाँ पर जगह जगह पर खतरात हैं और जगह जगह पर आपको आखिर अपनी खुराक, अपने लिबास को मेंटेन करने के लिए, अपनी फैमिली को मेंटेन करने के लिए लॉट ऑफ यू कैन से दैट यू विल हैव टू नीड अ लॉट ऑफ मनी। माइट इज राइट और मनी मेक्स मेयर गो, दाम बनाए काम। Undoubtedly, unmistakably, you will have to prove your worth, your significance, and your weightage in this field. और खासकर जो पुराने हमारे जो सीनियर्स होते हैं, जो पहले ही इस फील्ड के ऊपर सुप्रामसी है, जिनकी जिनका पूरा मुकम्मल होल्ड है, वो आप जैसे या मेरे जैसों को एक दिन के अंदर वो उठ नहीं देते। तो this mean नंबर सेकंडली, रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। इस प्रोफेशन में आने से पहले दिन ही आप अपने साथ ये कमिटमेंट कर लें, अपने साथ ये आप ये कॉन्ट्रैक्ट कर लें, आप ये एग्रीमेंट कर लें, आप ये अपने बात एक मुसम्मम इरादे के साथ अपने पल्ले बांध लें कि जो रोम शहर है वो एक दिन में नहीं पड़ा, उसको बनाने में यानी सदियां लगी। रोम वाज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल सिटीज ऑफ इटली एंड इट इज बिल्ट ऑन द सेवन हिल्स। और उसको बनाने के लिए लॉट ऑफ एग्जर्शन, लॉट ऑफ लेबोरियसनेस, लॉट ऑफ यू कैन से द हार्ड वर्क नीड। इन द सेम वे इस प्रोफेशन में आपने जो फेसेट बनाना है, अपनी जो बिल्डिंग खड़ी करनी है, अपने ख्वाबों का जो आपने महल खड़ा करना है, उसको एरेक्ट करने के लिए, उसको बनाने के लिए आपको लेबोरियसनेस की जरूरत पड़ेगी, आपको यानी ईंटों की जरूरत पड़ेगी। और ईंटें कौन सी? हार्ड वर्क की ईंटें होंगी, स्लैब्स ऑफ लेबोरियसनेस, यानी आपको जो बजरी की जरूरत पड़ेगी उसके अंदर सब्रे अय्यूब क्या मिक्सचर होना चाहिए, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा आपको तकलीफें आएंगी, बड़े आपको क्राइसिस आएंगे, बहुत ही आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ जाएंगे, हत्ता कि आप मायूस, आप यानी यू विल बिकम विक्टिम ऑफ फ्रस्ट्रेशन, यू विल विक्टिम ऑफ एंग्जाइटी, और आप पर हाइपरटेंशन भी हो जाएगी। और इस प्रॉब्लम में एक और प्रॉब्लम यह है कि इस फील्ड के अंदर आपके बहुत जिस सीनियर हैं वो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि बहुत से यंगस्टर जो नए नए बुकला आते हैं वो बड़े खूबसूरत ख्वाब लेकर आते हैं, वो समझते हैं कि शायद हम किसी यूटोपिया के अंदर कदम रखने जा रहे हैं, शायद हम किसी जन्नत में जाने के लिए जा रहे हैं, शायद हमारा बहुत ही खूबसूरत कोई हाइड्रा है जो ग्रीस का है, बहुत ही खूबसूरत ख्वाबों का एक शहर है, उसके अंदर जा रहे हैं। शायद वो समझते हैं कि हम न्यूयॉर्क सिटी के अंदर हमारे लिए बहुत से अपॉर्चुनिटीज होंगे, लेकिन यहाँ पर आकर पता चलता है कि जो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। उस दिन आप चाहे तो आप अपनी जो
बिल्डिंग है उसका टाइटैनिक डबो दें, उसको धड़ाम से बुलडोज कर दें, और चाहे तो अपने आप को सस्टेन कर लें। ये डिपेंड आप पर करता है। अगर तो आपका लॉ ऑफ मोटिवेशन मजबूत है, लॉ ऑफ गैल्वनाइजेशन मजबूत है, तो आप फील्ड के अंदर आप जरूर सस्टेन करेंगे। लेकिन अगर आपके अंदर यानी यू कैन सी दैट यू आर विक्टिम ऑफ रेकलेसनेस नेग्लिजेंस और आप यानी सस्टेनेबिलिटी नहीं कर सकते, आपकी फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती, तो यकीन माने अगर आपके पास दो अपॉर्चुनिटीज हों, एक तो आपको जॉब मिल रही हो और दूसरी तरफ आपको लीगम बैकलोरियस का खूबसूरत और ब्यूटीफुल प्रोफेशन हो, तो यकीन करें आप जॉब्स को ज़्यादा प्रेफर करें, क्योंकि जॉब जो है वो आपको बहुत ज़्यादा पैसे देगी, बहुत ज़्यादा फैमिली का आपका जो सस्टेनेबिलिटी है उसकी अश्योरिटी देगी, और आपको बहुत सी अमेनिटीज बनन्जा दी जाएंगी, और आपको यानी हाउसिंग का प्रॉब्लम आपका ख़त्म हो जाएगा। आपको यानी हर महीने आपको कम से कम आपको एक सिक्योरिटी तो होगी, कम से कम आपके बच्चों के स्कूल की फीसें तो नहीं खर्च होंगी, और लॉ के प्रोफेशन में आपको पहले दिन से ही एक तो आपको अपने सीनियर्स का चैलेंज, फिर आपको अपने जैसे जो आपके यानी जो आप जैसे कोलीग्स हैं उनका बज़ाहिर तो वो हंसते रहते हैं, जिस तरह कहते ना मैन बी स्मार्ट एंड बी अ विलन, और वैसे भी आपको बहुत ज़्यादा बहुत ऐसे लोग हैं जो इसमें ड्यूलिज्म का मजारा करते हैं, हिपोक्रेसी का मजारा करते हैं, और वैसे भी चाइनीज लोगों की कहावत है कि उस दुकानदार को दुकान खोलने का कोई हक नहीं जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं। तो आपको भी चाहे बनावटी मुस्कुराहट करनी पड़े, चाहे आपको स्नोबरी का मजारा करना पड़े, आपको वेल टू डू यानी जाहिर होना पड़ेगा, फिर आपके पास अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, फिर आप यानी आपका फैमिली बैकग्राउंड बड़ा साउंड और बड़ा स्टेबल होना चाहिए, क्योंकि स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, फिर आपको रात दिन पढ़ना भी पड़ेगा, बहुत सी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, रेफरेंस बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, फिर आपको यानी कोई लाइक अ हॉट केक, दिस प्रोफेशन इज नॉट अ लाइक अ हॉट केक, यानी यहाँ पकी पकाई जो बिरयानी है वो आपको कोई भी नहीं देगा, और स्कॉटलैंड के जो केक्स हैं वो ब्रेड पे डालकर ऑलमंड केक्स जो हैं या वॉलनट केक्स जो हैं वो आपको या चॉकलेट के जो केक्स हैं वो कभी नहीं दिए जाएंगे। यहाँ पर तो आपको एग्जर्शन करना पड़ेगा, अपना खून पसीना यानी बहाना पड़ेगा, और अपनी तकदीर आपको खुद लिखनी पड़ेगी। चौधरी सलीम अख्तर साहब जैसे, बिलाल सईद साहब जैसे और चौधरी सरवर जावेद जैसे टीचर्स को आपको पिन पॉइंट करने होंगे, उनको आप सिलेक्ट करें और उनसे आप गाइडेंस हासिल करें, और उनकी जो बातें हैं उनको आप कंसंट्रेशन से सुनें, और गप्पे लगाकर चाय पीकर या समोसे खाकर या बिस्किट खाकर या अपना फजूल टाइम ज़ाया करने की बजाय यकीन करें यू विल हैव टू कंटेन योर सेल्फ टूवर्ड्स द चैम्बर्स, क्योंकि एक तरफ यानी आपको खूबसूरत रास्ते हैं जहां पर गप्पे आपको मिलेंगी, जहां पर आपको ऐसे वकील मिल जाएंगे कंटीन्स पर बैठे हुए जो आपको बहुत ही ज्यादा एंटरटेन करेंगे, वक्ती तौर पर आपको बहुत ज्यादा खूबसूरत बातें बताएंगी, पॉलिटिक्स की बातें चलेंगी, रिलीजन की बातें चलेंगी, आपके शहर की बातें चलेंगी, हत्ता कि आपको बैक बाइटिंग भी आपके पीछे की जाएगी, क्योंकि कहते ना किसी अकलमंद का कॉल है कि जब आप उठ के जाते हैं तो आपका काम हो जाता है, यानी आपकी जो हिम्मत होती है, आपकी जो बाइक बाइटिंग होती है वो मुकम्मल तौर पर अहसन तरीके से वो पूरी कर दी जाती है। फिर सबसे बड़ा जो मैंने ऑब्जर्व किया इस फील्ड के अंदर, जो नए यंगस्टर्स आते हैं, जो नए यंग बुकला आते हैं, जो न्यू ब्लड आता है, वो फिर अपने आप को लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची, फैसलाबाद या मुल्तान हाई कोर्ट्स की तरफ मूव नहीं करते, वो यानी कुएं के मेंढक बनकर साहिबाल में ही, चीचावतनी में ही, या कह लें कि छोटे शहरों के अंदर, ओकाड़ा जैसे शहरों के अंदर, जेलम जैसे शहरों के अंदर वो मकैयत होकर रह जाते हैं, और उनकी जो बुलंद उड़ान होती है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है, क्योंकि जाहिर है जितने आपके ड्रीम्स बुलंद होंगे, जितने आपके रियलाइजेशन बुलंद होंगे, जितने आपके आइडियाज बुलंद होंगे, उतनी ही आपको बुलंद प्रवास करनी पड़ेगी, क्योंकि अच्छे टीचर जो होते हैं, जैसे आप कह सकें जैसे एहतजाज एहसन साहब, जिस तरह एस एम जफर साहब, जिस तरह और पाकिस्तान के यानी
मायानास किस्म के जो वकला हैं, अगर आप उनके चैम्बर्स में बैठेंगे यानी उनकी सुपरविजन के अंदर होंगे, वैसे तो वो इतने जल्दी हम उनके करीब भी नहीं जा सकते, क्योंकि रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा यानी वो दे आर सिंबल ऑफ ग्रैंडर्स, दे आर सिंबल ऑफ ग्रेटनेस, दे आर सिंबल ऑफ यू कैन से दैट द श्योरिटी ऑफ योर सक्सेस एंड योर ट्राइम। फिर भी आप अगर लाहौर में यानी आप यानी अच्छे वकला के पास बैठेंगे तो यकीन करें आपका विजन, आपका पैनोरामा, आपका विस्टा, शुरू में तो आपको तकलीफें होंगी, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, बट इन विद द कोर्स ऑफ टाइम आपकी सारी जो डिफिकल्टीज हैं, सारी ट्रबल जो हैं, उसका क्रक्स जो है वो आपके अपने हाथों में, वो आपकी अपनी सोचों के अंदर। हम ये सोचते हैं शायद हम साहिबाल से चले गए तो साहिबाल डूब जाएगा, या शायद साहिबाल की कचहरी में काम नहीं चलेगा। जनाब, आपके जाने के बाद भी काम चलता रहता है। अंबिया कराम चले गए यानी बड़े बड़े अजीम इंसान जो अपने आप को आज कब्रिस्तानों में देख लें तो हम वहां से पता चलता है कि जो अहम वाकयात होते हैं, जो अहम लोग होते हैं, वो हमेशा पीछे अच्छी यादें छोड़ जाते हैं। उनके पीछे भी कभी यानी जगह जो होती है वो हमेशा खाली होती है, और टॉप पे जो जगह है वो हमेशा खाली रहती है। फिर मैंने देखा है कि इस फील्ड के अंदर फेवरेटिज्म यानी आप कह दें कि आपकी जो सीनियर्स होते हैं या वो कमेटीज जो चैम्बर्स को अलॉट करते हैं, यकीन करें वो नेपोटिज्म का शिकार हो जाते हैं, वो फेवरेटिज्म का शिकार हो जाते हैं, वो ड्यूलिज्म का शिकार होते हैं, वो हिपोक्रेसी करते हैं। आप उनकी खुशामदें भी करते रहें, आप उनके साथ यानी चाय भी पीते रहें, उनके साथ वो आपको बिस्किट भी खिलाएंगे, फ्रॉम ए टू जेड ऑल थिंग्स विल बी प्रोवाइडेड टू यू, लेकिन ये जो यंग ब्लड होते हैं वो बेचारे जो होते हैं वो जल्द ही उनकी बातों के अंदर आ जाते हैं और उनको ये नहीं पता चलता कि ये जो है ये तो जस्ट आ सराब है, ये तो फील्ड ऐसा है जिसके अंदर यानी हाथी के दांत खाने के और होते हैं और दिखाने के और होते हैं। यानी यहां बहुत सी स्नोबरीज हैं, आपके साथ जो बैठे हुए आपके दोस्त होते हैं वो भी वक्ती तौर पर आपके साथ होते हैं, बट समल्टेनियसली वो कहीं और फिर रहे होते हैं, उनके अपने प्रायोरिटीज हैं, उनके अपने यू कैन से दैट दे हैव देयर ओन यानी चैलेंजेस, दे हैव देयर ओन प्रॉब्लम्स, दे हैव देयर ओन प्रायोरिटीज, उनकी अपनी प्रायोरिटीज हैं। तो यकीन करें इस तरह जो मुख्तलिफ यानी कचहरीज के अंदर, कोर्ट्स के अंदर यानी जो चैम्बर्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसके अंदर बहुत से नॉन प्रैक्टिसिंग जो बहुत से प्रेशर ग्रुप्स हैं, ऐसे प्रेशर ग्रुप्स जो एमपीए और एमएनए होते हैं और बहुत से लैंडलॉर्ड्स किस्म के लोग होते हैं वो प्रेशराइज करते हैं, फिर ऐसे लोगों को भी चैम्बर्स दे दिए जाते हैं जो गवर्नमेंट की सर्विस कर रहे हैं, जो किसी बैंक के अंदर मैनेजर हैं, जो किसी बैंक के अंदर जॉब कर रहे हैं, जो कोई और यानी साइड बिजनेस कर रहे हैं, सिर्फ उनसे वो डर कर इस किस्म की जो एक्टिविटीज होती हैं उनको यानी कर दिया जाता है। फिर सबसे बड़ी बात, मैं जब शुरू में आया तो मेरे एक खालू थे, अल्लाह को जन्नत नसीब करे, राजा खान जमान पीडीएसपी साहब, बहुत ही यानी अ मैन ऑफ एटिकेट्स, अ मैन ऑफ मैनर्स, बड़े नफीस किस्म के इंसान, सारी जिंदगी पुलिस की जॉब की और कभी भी यानी हमेशा फेयर और यानी यू कैन से दैट ही वाज एलिजिबल फॉर एनी वैकेंसी ऑफ पाकिस्तान। वो चौधरी सलीम अख्तर साहब और मलक फजल करीम साहब जैसे लोगों के साथ उन्होंने जॉब की और वो आज तक यानी जो लोग हैं इस किस्म के लोग उनकी यानी वो तारीफें करते हैं, वो मुझे मना करते थे कि मत इस फील्ड में आओ, तो अब मुझे पता चला कि ही वाज यानी 110% राइट। अब मुझे पता चला कि इस फील्ड के अंदर आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा लबोरियसनेस और स्टूडियसनेस और यानी यू कैन से दैट हार्ड वर्क और यानी पेशेंस के पिलर्स पर अपनी आपने बिल्डिंग खड़ी करनी है। ये कोई रॉयल रॉड नहीं है, यहां आपको हर वक्त आप एक फौजी की तरह यानी एक नई स्ट्रैटेजी सीखते हैं, हर रोज आपका मैदान जंग बदल जाता है और हर रोज आपकी जो डिफेंसिव और स्ट्रेटेजिक स्टडीज होती हैं वो आपको यू विल हैव टू चेंज, यू विल हैव टू मोल्ड योर पर्सनैलिटी, और आपको अपनी पर्सनैलिटी जो है उसको आपको हर लम्हा मोल्ड करना पड़ता है।
फिर आपको यानी आपके बहुत से अच्छे दोस्त भी होते हैं, ऑल पीपल्स आर नॉट सच टाइप, कुछ लोग बहुत भी अच्छे हैं जो आपके साथ बहुत ही मुखलस होते हैं, जिस तरह राजा जावेद महमूद साहब, जिस तरह बिलाल सईद साहब, जिस तरह चौधरी सलीम अख्तर साहब, जैसे मलक फजल करीम साहब जैसे लोग, वो अपने शिगिर्दों के साथ, अपने जूनियर्स के साथ, अपने कोलीग्स के साथ बहुत ही अच्छे होते हैं। उनकी लैंग्वेज देख लें, बहुत ही नफीस होती है। वो कभी यानी किसी के खिलाफ बैक बाइटिंग नहीं करते। मैंने जिस चैम्बर में बैठा, मैंने हमेशा नोट किया है कि चौधरी सलीम अख्तर साहब कभी किसी के खिलाफ बात नहीं करते। बिलाल सईद चाहे लोग बहुत कहते हैं जी वो बड़े गुस्से वाले हैं, यकीन करें मैंने उनको बहुत नज़दीक से ऑब्जर्व किया है, क्योंकि जो लिटरेचर का स्टूडेंट होता है वो हर चीज़ को बड़े गौर से उसको देख रहा होता है। तो यकीन करें मैंने यही पिन पॉइंट किया कि बिलाल सईद साहब जो है उनके खिलाफ सर जस्ट आ रूमर्स हैं, वो बहुत अच्छे इंसान हैं, वो बहुत ही मैन ऑफ लेटर्स हैं, उनको यानी क्रिमिनल लॉ, उनको यानी कौन सा लॉ है जो उनके फिंगरप्रिंट्स पे नहीं, वो वैसे भी कहते हैं जो नैप की अकाउंटेबिलिटी का जो लॉ है वो उन लोगों ने यानी बिलाल सईद साहब और उनकी बहुत सी जो टीम थी उन्होंने जब इस्लामाबाद के अंदर जो यानी प्रैक्टिस करते थे तो उन्होंने उसको यानी उन्होंने फैब्रिकेट किया है। यानी कहने के वो अपने यानी शिगिर्दों के अंदर बहुत ज़्यादा जज्बा पैदा कर देते हैं। इस किस्म के लोगों के साथ हमें फिर प्रैक्टिस करनी चाहिए, और यंगस्टर्स को हमेशा हमेशा पर यानी छोटे स्टेशन के अंदर उनको मकैयत होकर नहीं रह जाना चाहिए, उनको हमेशा दे शुड ट्राई द डेवर बेस्ट टू मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स लाहौर, टूवर्ड्स इस्लामाबाद, पिंडी, क्योंकि कहते हैं ना कि सफ़र वसीला है सफ़र। और दुनिया के हर कामयाब इंसान ने आपने देखा है उसने ट्रैवल ज़रूर किया है, उसने माइग्रेशन ज़रूर की है, क्योंकि माइग्रेशन करने से यकीन करें आज जिस तरह के पंजाब के गवर्नर जो गुलाम सरवर साहब हैं वो टोबा टेक सिंह के एक अराई फैमिली से थे, एक आम से मडियोकर से पर्सन, फिर वो यानी आप कहने के इंग्लैंड चले गए, वहाँ पर वो फिर उनकी यानी वहाँ पर उन्होंने इलेक्शन भी लड़े, फिर बहुत ज़्यादा उन्होंने मेहनत की और आज वो बहुत ही यानी दे आर वेल्थी वेल टू डू पीपल्स। फिर आप इस फील्ड के अंदर जो सबसे ज़्यादा चीज़ है वो सबर आजमा फील्ड है, आपको सबर करना पड़ेगा। आपको यानी जो खासकर यंगस्टर्स हैं वो आगे भी बहुत निकल सकते हैं अगर वो मेहनत करें तो, वो यानी सिविल जज बन सकते हैं, वो यानी लॉ की प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर वो 35 ईयर्स से पहले पहले इस यानी बहुत पहले इस फील्ड में आ जाएं, तो अपना टाइम ज़ाया करने की बजाय उन्हें यानी लाइब्रेरी जो है, अखबारें जो हैं, टेलीविज़न के BBC और वॉइस ऑफ अमेरिका और अच्छे स्टेशन देखने चाहिए, ताकि उनकी इंग्लिश हाई हो, ताकि उनका जो बोलने का स्टाइल है वो बहुत अच्छा हो जाए, वो यानी उनका नॉलेज जो है उसके अंदर उनकी ग्रिप होनी चाहिए, फिर उनको यानी सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ और CRPC और यानी जो PPC है उन पर और खासकर मेडिकल जूरिसप्रूडेंस, इन सब चीज़ों पर उसकी बहुत ज़बरदस्त किस्म की ग्रिप हो जानी चाहिए, और वो यानी ताकि वो आगे बढ़ जाए। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आपने देखा है कि SM जफर साहब ने, मुझे भी याद है जब मैं यानी MA का स्टूडेंट था तो मुझे पता चला उन्होंने नवाज शरीफ साहब की तरफ से, उन्होंने डेवू कंपनी की तरफ से उन्होंने केस लड़ा था पाकिस्तान गवर्नमेंट के खिलाफ, और 40 करोड़ से ज़्यादा उन्होंने फीस ली थी। अब ख्वाजा हारिस साहब ने जब नवाज शरीफ का केस लड़ा तो उन्होंने 65 करोड़ रुपीज़ यानी उन्होंने फीस ली। ये फीस ऐसे नहीं ली जाती, क्योंकि ये जो लोग होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा कह लें कि इन्होंने प्रैक्टिस की है, इन्होंने दिन रात पहले मेहनत की है, इन्होंने यानी कंटीन्स के अंदर बैठकर समोसे और चाय नहीं खाए, इन्होंने हमेशा गप्पे नहीं लगाए, इन्होंने अपने असातिज़ा से उनकी सुपरविजन के तहत, उनकी गॉड यानी यू कैन गार्डियनशिप के तहत इन्होंने बहुत ज़्यादा बर्निंग मिडनाइट ऑयल। तो आखिर में मैं आपसे यही, खासकर यंगस्टर्स जो हैं उनको मैं यही कहूँगा कि जो वैक्यूम है वो आपके लिए अब भी खाली है, टॉप पे जगह बिल्कुल खाली है, लेकिन उसके लिए आपको यानी बहुत ज़्यादा
स्टूडियसनेस का मुजाहरा करने पड़ेगा, आपको स्टेडफास्टनेस का मुजाहरा करना पड़ेगा और आपको साबित कदमी का मुजाहरा करना पड़ेगा और आपको अपने साथ अनफ्लिंचिंग बिलीव इन द वननेस ऑफ गॉड ऑलमाइटी। जब आपको अल्लाह पर यकीन होगा तो यकीन करें इस फील्ड के अंदर बहुत सी दुश्मनियां भी हैं, बहुत सी अपोजिशन भी हैं। अब लोग बहुत पढ़ लिख चुके हैं और फील्ड के अंदर केसेस की तादाद जो है वो कम होती चली जा रही है। आपने इस मंजर को भी, पस मंजर को भी जहन में रखना है कि अब जो देहातों के अंदर भी है वो जो इल्म की शमा है वो पूरे इलाके के अंदर फैल चुकी है। अब लोग जो अपने फैसले हैं वो अपने ड्राइंग रूम्स में कर लेते हैं, वो कमिटमेंट कर लेते हैं, अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं। अब जो लड़ाइयाँ हैं वो बहुत कम हो चुकी हैं। मुझे अभी याद है जब मैं एमए का स्टूडेंट था तो यकीन करें रावी के इलाके के बहुत से लोग बेचारे उनके शूज टूट जाते होते थे साहिबाल कचहरी के अंदर जाते जाते। तो अब वो जो है वो ज़माना अब बीत चुका है। अब के जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा सिविलाइज्ड हो चुके हैं, वो सोबर हो चुके हैं, वो उनके अंदर एटिकेट्स आ चुके हैं, अब उनके अंदर पेशेंस है, वो एक दूसरे के साथ लड़ते नहीं। रिसेंटली मेरे गांव के साथ एक दो चक है, वो दो तीन दिन पहले वहां पर एक ही बंदे ने, यानी उसने तीन बंदों को एक छोटी सी बात पे ऊपर उसने, यानी एक छोटे से मसले पर उसने तीन बंदों को यानी सफाए हस्ती से मिटा दिया। ये होता है। हालांकि वो हज़रत अली करम अल्लाह वजह का मानने वाला था, यानी वो शिया हजरात थे। मैं ये तो तनकीद नहीं करना चाहता, लेकिन हजरत अली का बंदा मानने वाला हो और उसके अंदर बर्दाश्त ना हो जिस तरह उन पर यानी एक इब्ने मलजम ने ज़र्ब लगाई, तो यकीन करें अपने बेटों को कहते हैं उस पर भी उतनी ही ज़र्ब लगाना जितनी उसने मुझ पर लगाई। तो ये कैसे लोग हैं जो सब्र तहम्मल का मजारा नहीं करते, जो यानी वक्ती तौर पर बंदा जब यानी पहलवान तो वो है जब अपने गुस्से पर काबू पा ले। तो आखिर में मैं आपको यही कहूँगा, सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक इट, और As far as this field is concerned, you will have to take steadfastness और सब्र अय्यूब आपके अंदर होना चाहिए और अल्लाह ताला पर you can say that unflinching belief होना चाहिए, यानी you can say that आप कभी stagger ना करें, फिर आप इस field के अंदर आप कामयाब हो सकते हैं। अदरवाइज दास्तान भी ना होगी, दास्तान वरना फिर आप सारी जिंदगी कचहरी के धक्के खाते रहेंगे और लोग आगे बढ़ चले जाएंगे। बिकॉज खैर वंस कॉल खुदा हाफिज़, विश यू गुड लक।